हरे कृष्णा राधे राधे, वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम ठाकुर जी का एक बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा लीला लेकर आ गए हैं। आशा है हर रोज की तरह आज का ये लीला भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन लीला सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। होशियारपुर में रहने वाली 12 साल की छोटी सी नन्ही सी धरती ने आज ये प्यारा सा लीला हमारे साथ शेयर किया है। धरती कहती है, हमारी एक पड़ोसी आंटी है जो कि भगवान लड्डू गोपाल जी की बड़ी ही भक्त है। सदा वो लड्डू गोपाल जी का बहुत ही प्रेम से सेवा करती और उनके साथ जो भी लीला होता उसी लीला को वो अपने डायरी में नोट करती। ठाकुर जी को पुत्र के रूप में पाकर वो बड़ी ही प्रसन्न थी और हमेशा ही वृंदावन आया जाया लगा ही रहता था उनका। उनके साथ जब उनके ठाकुर जी कोई भी लीला करते तो सबसे पहले आंटी जी उस लीला को मुझे ही बताती और लड्डू गोपाल जी का ये प्यारा प्यारा लीला कथा मुझे बड़ा ही अच्छा लगता। और ऐसे ही मेरी आंटी जी ने मुझे ये प्यारा सा लीला बताया और आज वही लीला मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। धरती की आंटी जी अक्सर ही वृंदावन में आया जाया करती है और इसीलिए इस बार जब उनके वहाँ से बस छोड़ा गया तो आंटी जी फिर से वृंदावन दर्शन करने चल पड़ी। आंटी जी कहती है, बस में उठते ही मैंने देखा एक आदमी के साथ एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है जो कि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त है। मेरे लल्ला को मेरे साथ देखकर वो छोटी सी बच्ची बड़ी ही खुश हो जाती है और अपने पापा से कहने लगती है, पापा मुझे भी लड्डू गोपाल जी चाहिए, मुझे भी आप लड्डू गोपाल जी लेकर दो। लेकिन उस लड़की के पापा ने उनसे कहा था, अभी आप बहुत छोटे हो और मम्मी भी तो बीमार है, इसीलिए आप अभी लड्डू गोपाल जी मत लो, बाद में मैं तुम्हें ज़रूर लड्डू गोपाल जी ला कर दूंगा। यही कहकर हम बस में बैठ जाते हैं और हमारा बस चलने लगता है। वृंदावन जाते हुए बस के सारे लोग बड़े ही खुश थे और सब लोग कीर्तन करते करते ही बस में आगे बढ़ रहे थे। बस के अंदर भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही प्यारा प्यारा भजन चल रहा था और उसी भजन से सबका मन बड़ा ही खुश था। आंटी जी बस में बैठी रहते रहते थोड़ा सा थक गई थी, इसीलिए वो सीट से उठकर गेट के पास आई तो आंटी जी ने देखा वो छोटी सी बच्ची भजन सुनते सुनते सो गई है। उस छोटी सी बच्ची के साथ साथ बस में बैठे और भी लोग चुपचाप उस भजन को सुन रहे थे और कुछ कुछ लोग तो सो गए थे। तभी अचानक से ड्राइवर ने एक अद्भुत घटना घटाया जिस कारण से सारे बस के लोग नाराज हो गए। ड्राइवर ने बस में चल रहे भजन को बंद कर दिया और मूवी सॉन्ग लगा दिया जिस कारण से बस में रहे सारे यात्रियों का नींद टूट गया और वो बहुत नाराज हो गए। सब लोगों ने कहा, अरे ये क्या, कितना सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा भजन हो रहा था, आपने क्यों भजन बंद कर दिया और देखो कैसे फिल्मी सॉन्ग भी लगा दिया है, ये सब गाना अच्छा नहीं लगता, आप भजन ही लगाइए। लेकिन ड्राइवर किसी की बात को भी नहीं सुन रहे थे। वो बार बार कहने लगे, अरे कब से तो भजन चल रहा है, अब और कितना भजन सुने, इससे तो यही गाना सुन लेते हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन यात्रियों को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो सब नाराज थे क्योंकि उनके मन में इच्छा था कि हम वृंदावन जा रहे हैं तो ठाकुर जी का भजन सुनते सुनते ही हम वृंदावन जाना चाहते हैं। जब सारी यात्री ने उस ड्राइवर से कहा तो ड्राइवर ने फिर से सारे यात्रियों को मना कर दिया और उन्होंने बोला, कब से भजन सुन रहे हैं और अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ये भजन चेंज नहीं करूँगा। और तभी बस के अंदर होता है एक अद्भुत लीला। जो छोटी सी बच्ची अपने पापा के साथ सो रही थी वो अचानक से ही उठ जाती है
और बस ड्राइवर के पास जाती है और कहती है, अभी आप भजन को चेंज कर दीजिए, अगर आप ये फिल्मी गाने नहीं हटाओगे तो मैं बहुत नाराज़ हो जाऊंगी, चलो जल्दी से अभी ठाकुर जी का भजन लगाओ। लेकिन ड्राइवर उस छोटी सी बच्ची से कहता है, नहीं नहीं अभी यही गाना सुनना पड़ेगा, भजन हम नहीं लगाएंगे। ड्राइवर के इस बातों को सुनकर वो बच्ची बहुत नाराज़ हो जाती है, क्योंकि वो लड़की लड्डू गोपाल जी की परम भक्त थी और उतनी छोटी सी उम्र में उसे ठाकुर जी के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए जब ही ड्राइवर ने कहा कि नहीं अभी भजन चेंज नहीं किया जाएगा, तो वो ये सुनकर और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई। तब उस बच्ची ने कहा, ठीक है तुम भजन चेंज अगर नहीं करोगे ना, तो मैं तुम्हारा ये गाना का जो मशीन है इसे ही तोड़ दूंगी और तब तुम देखना कोई भी गाना तुम नहीं सुन पाओगे। इससे तो यही अच्छा है कि तुम अभी अभी भगवान का भजन दो और ये सब गाना बंद करो। उस लड़की के साथ साथ बस में उपस्थित सारे लोगों ने भी बार बार ड्राइवर से यही कहा। तब ड्राइवर ने जाकर फिल्मी गाने को बंद किया और फिर से भजन स्टार्ट कर दिया। जब वो लड़की ड्राइवर के पास से वापस आ रही थी, तो सब लोगों ने अनुभव किया कि उस बच्ची में कोई तेज झलक रहा है, लेकिन वो कैसा तेज है यही किसी को समझ में नहीं आया। वो बच्ची ड्राइवर के पास से आई और चुपचाप फिर से अपने पापा के पास सो गई और बस में एक सुंदर सा वातावरण फैल गया और उसके साथ सारे बस में एक सुंदर सा सुगंध महकने लगा। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। इतनी देर तक तो बस में इतना पवित्र वातावरण नहीं था, अचानक से बस इतना पवित्र और इतना मनमोहक कैसे हो गया। लेकिन किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया, तो सब लोग फिर से पहले की तरह ही भजन सुनते सुनते सो गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला था। जब उस लड़की का नींद टूटा, तो वो बच्ची सारे बस में खेलने लगी और उस बच्ची का खेलता हुआ रूप देखकर सब लोगों ने उसे ही घूरना शुरू कर दिया। बच्ची को भी समझ में नहीं आया, सब लोग मुझे ही क्यों देख रहे हैं। इसीलिए उसने अपने पापा से पूछा, पापा क्या हुआ है, सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। तब उसके पापा ने उससे कहा, वो क्या है ना बेटा, कुछ देर पहले बस के ड्राइवर ने वो फिल्मी गाने लगा दिया था, तो तुमने थोड़ा उसे डांट दिया ना ड्राइवर को, इसीलिए सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। तब बच्ची ने अपने पापा से कहा, मैंने तो किसी को नहीं डांटा पापा, मैं तो सो रही थी और सोते सोते मैंने एक प्यारा सा सपना देखा, जिस सपने में मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल जी खेल रहे थे। बच्ची के मुख से ये बात सुनते ही बस के सारे यात्री बहुत ही हैरान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया बच्ची ये क्या कह रही है, कुछ ही देर पहले तो वही गई थी ड्राइवर को डांटने और अब कहती है कि मैं सो रही थी, मुझे कुछ भी याद नहीं, ये सब हो क्या रहा है। और तभी बस में बैठी एक औरत राधे राधे बोलकर चिल्लाती है और कहती है, अरे ये तो ठाकुर जी का लीला है, ठाकुर जी की कृपा से ही आज ये लीला हमें दर्शन करने को मिला। उस बच्ची के साथ ठाकुर जी खेलते खेलते स्वयं ही आए थे ड्राइवर को डांटने, इसीलिए शायद बच्ची को कुछ भी याद नहीं है, चलो छोड़ो अच्छा ही हुआ। कुछ सन के लिए हमने ठाकुर जी को महसूस तो कर लिया, यही हमारे लिए काफी है, चलो चलो वृंदावन आने ही वाला है, वृंदावन में जाकर हम सबसे पहले ठाकुर जी को दर्शन करते हैं। वृंदावन पहुंचते ही सारे यात्रियों ने ठाकुर जी का बढ़िया दर्शन किया और दर्शन समाप्त करके वो फिर से बस में आकर बैठ गए, क्योंकि उन्हें फिर से होशियारपुर वापस भी तो जाना था। बस में आते ही आंटी जी और खुद को ना रोक पाई, इसीलिए वो उस बच्ची के पास गई और उसके पापा के पास गई और उनसे पूछा, आपकी बच्ची तो ठाकुर जी की अनन्य भक्त है, बहुत बड़ी भक्त है और कितनी प्यारी भी है, क्या आपके घर में लड्डू गोपाल जी का सेवा है, क्या आपकी बच्ची ही उनका सेवा करती है,
ये बात सुनते ही उस बच्ची के पापा ने कहा, नहीं नहीं, मेरी पत्नी तो आज 6 महीने से बिस्तर में पड़ी हुई है और मुझे ही उसका सेवा करना पड़ता है, जिस कारण से हम घर पे लड्डू गोपाल जी नहीं ला पा रहे हैं। इच्छा तो बहुत है कि लड्डू गोपाल जी का सेवा करूं या मेरी बच्ची को लेकर दूं, लेकिन उसकी मम्मी की तबीयत के कारण हम ठाकुर जी को घर पर नहीं ला पा रहे हैं और उनका सेवा भी तो ज़्यादा होता है। मेरी बच्ची कितनी सी छोटी सी है, अब वो ठाकुर जी का सेवा कैसे करेगी। यही सोचकर मैंने उसे आज तक ठाकुर जी नहीं दिया। ये बात सुनते ही आंटी जी ने उन आदमी से कहा, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटी को ठाकुर जी दूंगी और उनका सेवा भी सब कुछ सिखा दूंगी। आप लोग कहाँ रहते हो? तब उस आदमी ने अपने घर के एड्रेस को बताते हुए कहा, मैं होशियारपुर में ही रहता हूँ। ये बात सुनते ही आंटी जी बड़ी ही खुश हो गई और उन्होंने कहा, ठीक है, आप बस से उतरकर सबसे पहले हमारे घर जाइएगा, हम आपके बेटे को लड्डू गोपाल जी का दायित्व देंगे और उन्हें सेवा के बारे में सब कुछ सिखा देंगे। आंटी जी की बातों को रखते हुए वो आदमी और उनकी बच्ची आंटी जी के घर आ गई और आंटी जी ने उन्हें बढ़िया सा लड्डू गोपाल जी गिफ्ट किया और लड्डू गोपाल जी के सेवा के विषय में सब कुछ सिखा दिया। उसके बाद उनके जीवन में जो घटित हुआ वो और भी अद्भुत था। जो औरत 6 महीने से बिस्तर में पड़ी हुई थी, ना ही चल पाती थी ना ही उठ पाती थी, सब कुछ उस बच्ची के पापा को सेवा करना पड़ता था, लड्डू गोपाल जी घर पर आते ही उस बच्ची की माँ एकदम स्वस्थ हो गई। और जो औरत 6 महीने से चल भी नहीं पाती थी, वो औरत ठाकुर जी के घर पे प्रवेश करते ही चलने उठने बैठने काम करने में भी लग गई। और ये सब कुछ हुआ था लड्डू गोपाल जी की कृपा से। आज भी वो लड़की अपने मम्मा के साथ आंटी जी के घर पर घूमने आती है और ये सब कुछ हुआ है बस लड्डू गोपाल जी की लीला से और उनके चमत्कार से। हमें सदा ही भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और अगर हम ठाकुर जी पे भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी कष्ट हो हम उसे सहन कर सकते हैं और ठाकुर जी की कृपा से एक दिन वो दुख ज़रूर खत्म हो जाता है। इसीलिए सदा ठाकुर जी के चरणों को पकड़े रहे। अब आप बताइए, ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सदा ही श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ। हमेशा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।